एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे एक कलीग हैं जिनके कारण मैं हमेशा धोखा खाता हूँ, लेकिन वो उसी परिस्थिति में साफ बच निकलते हैं। फिर भी वो मेरे सबसे करीबी बने रहते हैं। उनका प्रभाव मैं अपने जीवन से कैसे कम करूँ? देखिए, कुछ लोग आपके सामने ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, धारणाओं का ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि आप उस ताने बाने में फंस जाते हैं, और इस प्रकार जब आप उनके ताने बाने में फंस जाते हैं तो वो आपको आउट स्मार्ट कर देते हैं, और उसके बाद आपको आउट स्मार्ट करने से जो हैप्पीनेस प्राप्त होती है, उनको जो प्लेजर प्राप्त होती है, उस प्लेजर से वो अपने ईगो को फीड करते हैं। और ऐसे लोग अपना ईगो भी छुपा करके रखते हैं। उनका ईगो होता बहुत बड़ा है, लेकिन उस ईगो का पता नहीं चल पाता। इनफैक्ट वो कोवर्ट बड़े ईगो का इस्तेमाल अपनी हीन भावना को, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर, असुरक्षा की भावना, इनको छुपाने के लिए करते हैं। वो असुरक्षा की भावना एनवायरमेंटल कारणों से भी हो सकती है, न्यूरोबायोलॉजिकल कारणों से भी हो सकती है, और जेनेटिक कारणों से भी हो सकती है। तो वो अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हीन भावना को छुपाने के लिए पहले ईगो, एक बड़ा ईगो रखते हैं, उसको, उस ईगो को भी छुपा करके रखते हैं, और उस ईगो को, वो ईगो हर्ट ना हो जाए इसलिए दूसरे को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए ही ये ताना बाना बुनते हैं, ओपिनियंस और धारणाओं का ताना बाना बुनते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हम नार्सिसिस्ट कह सकते हैं। इनके लिए बेहतर टर्म तो ये होगा कि हम इन्हें कहें स्पाइडर नार्सिसिस्ट, क्योंकि ये मकड़ी की तरीके से ही ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस का ताना बाना बुनते हैं, और आप उस ताने बाने में फंस जाते हैं। इनफैक्ट ये आपके सामने किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के कोई ताना बाना नहीं बुनते, ये पूरा सारे किसी पूरी परिस्थिति का ही ताना बाना बुन देते हैं। जिस आप जो काम कर रहे हैं उसका पूरा ताना बाना ही, उसकी एक फॉल्स पिक्चर आपको दिखा देते हैं। तो आपका हर व्यक्ति के प्रति आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन गलत साबित होता है, क्योंकि आप इनके ताने बाने के दृष्टिकोण से अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे आपका हमेशा लोगों के प्रति आंकलन गलत हो जाता है और आप फंस जाते हैं और आप धोखा खा जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास सुपरफिशियल, सतही समस्याओं का समाधान करने की टेक्निक्स भी होती हैं, और ये स्वाभाविक ही है कि इस तरीके की टेक्निक्स से सीख जाते हैं, क्योंकि इनकी हमेशा कॉन्शियसनेस आउटवर्ड होती है, हमेशा दूसरे की जिंदगी में ही की ही तरफ टकटकी बांध करके देखते रहते हैं ये। तो दूसरे की जिंदगी को ऑब्जर्व करने की वजह से सतही समस्याओं का समाधान भी ये कर पाते हैं, एडवाइस भी दे पाते हैं, और उसी एडवाइस के चक्कर में लोग जो है फंस जाते हैं, और इनके साथ एक कांटेक्ट उनका हो जाता है, उसी कांटेक्ट को ये मैनिपुलेट करके ये लोगों के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस एक एंग्जाइटी की तरीके से आपके जीवन में परिलक्षित होने लग जाता है। हैरल्ड ब्लूम ने किताब लिखी है द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, उस किताब में ये बताया गया है कि कैसे नए पोएट्स पुराने पोएट्स के असर से अपने आप को बचाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, उनकी छाओं से अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो उसी तरीके की कुछ स्ट्रगल शायद आप भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि इस तरीके का फॉल्स ताना बाना बुनते हैं, ये किसी भी रिलेशनशिप में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिलेशनशिप में किसी की भी के प्रति इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, और जिन लोगों को ये नापसंद करते हैं उन्हीं के साथ बैठ करके हंस हंस के बातें भी कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि ये इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ही एक स्प्लिट होता है, तो ये कभी भी अपनी एक्चुअल ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। जिसको नापसंद करते हैं उसके साथ बैठ करके हंस रहे होते हैं, और जिसके साथ, जिसको पसंद करते हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ये हमेशा एक स्प्लिट में रहते हैं, और चूंकि स्प्लिट में रहते हैं इसलिए इनके अंदर कोई सेल्फ स्टीम नहीं होती है, और आखिरी में ऐसे व्यक्तियों को कुछ हासिल नहीं हो पाता क्योंकि ये एक्सपोज तो हो ही जाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमेशा ये समझ जाता है कि आप कौन सी टेक्निक उसके साथ लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट की तरीके से जीना नहीं चाहता, सब सब्जेक्ट की तरीके से सम्मान पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये भी आपका कम अचीवमेंट नहीं है कि आप ये देख पाए हैं
कि इनके ताने बाने में आप किस प्रकार फंस गए हैं, ये भी बड़ा अचीवमेंट है। ज्यादातर लोग तो ये देख ही नहीं पाते कि इनका किस प्रकार का ताना बाना है। अगर इस प्रकार के लोगों से आप बचना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहली बात तो आप अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्तियों के साथ बिल्कुल डिस्कस ना करें। वास्तव में वहीं पर ट्रैप क्रिएट होता है, क्योंकि लाइफ की सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इनके पास होता है। तो जब आप सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स का इनसे सोल्यूशन लेते हैं, सुपरफिशियल प्रॉब्लम जैसे किसकी शादी में कितना पैसा देना है, और अगर कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो कौन आगे बैठेगा, कौन गाड़ी में पीछे बैठेगा, इस प्रकार की सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स का इनके पास बड़ा सोल्यूशन होता है। तो जब आप इस तरीके की बातों में इनसे एडवाइस लेते हैं, सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इनसे लेते हैं, तो उसी ट्रैप में धीरे धीरे आपको इनके ऊपर ट्रस्ट पैदा होता जाता है, और तब आप अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स, सीरियस प्रॉब्लम्स भी इनके साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सीरियस प्रॉब्लम्स का पता लगा करके ये आपकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और आप फंस जाते हैं। तो आप ये बात याद रखिए कि आप अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स को इनके साथ डिस्कस मत कीजिए। वैसे तो अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों को, लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप भी सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए, अपनी लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत कीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये ऐसे व्यक्ति किसी को अगर इंडोर्स कर रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं, या किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो आप हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि आप इनके द्वारा किए गए समर्थन और इनके द्वारा किए गए आलोचना को ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी ओपिनियन ना बनाएं जिनको ये समर्थन करते हैं, जिनका ये विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। उससे आप अलग, उसको अपने उस धुंध को अपने सामने से हटा करके, उस ओपिनियन और धारणाओं का ताना बाना हटा करके उस व्यक्ति का मूल्यांकन हमेशा कीजिए। और ज्यादातर तो संभावना ये है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में हितकारी हैं, उनकी ये आपके सामने आलोचना का ऐसा माहौल बना देंगे, क्रिटिसिज्म का ऐसा माहौल बना देंगे कि जो लोग आपके जीवन में हितकारी हैं, आप खुद ही जाकर के उनको अपमानित करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो याद रखिए, जिसको भी ये आपके जीवन में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उसको आप कभी सीरियसली ना लें, और ऐसे इनकी ओपिनियंस को सीरियसली ना लें, ताकि जो लोग आपके हितकारी हैं, आपके हित में काम करते हैं, कम से कम आप उनको सही तरीके से ट्रीट कर सकें, और जो आपके जीवन में आपका भला करना चाहते हैं उनका सही मूल्यांकन कर सकें। इसलिए आप इनके क्रिटिसिज्म को कभी भी सीरियसली ना लें, इनकी ओपिनियंस को बिल्कुल आप सीरियसली ना लें। ऐसे लोग जो है मॉरल क्रिटिसिज्म का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा पैटर्नाइजिंग एटीट्यूड होता है, पैटर्नाइज करने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी के द्वारा पैटर्नाइज नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पैटर्नाइज करने की कोशिश करते हैं, तो पैटर्नाइजेशन में हमेशा एक मॉरल एंगल आ जाता है, तो ये हमेशा मॉरल क्रिटिसिज्म या मॉरल स्नफ करने की कोशिश करते हैं। आपको मॉरली आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, मॉरली आपको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप जो है मॉरली इनसे नीचे हैं। आप इसको कभी भी सीरियसली ना लें, क्योंकि मॉरली कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं होता है, और ना ही किसी को ये अधिकार है कि मॉरेलिटी का ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाएं। मॉरेलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए हम उन कमियों के चलते दूसरे का मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपना सिर्फ मूल्यांकन करेंगे। ये नैतिकता है। नैतिकता का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे से अपने आप को हमेशा बड़ा समझ दिखाऊं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करूं। तो ये चूंकि दूसरे को ऊंच, अपने आगे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मोरालिटी का सहारा लेते हैं, मॉरल क्रिटिसिज्म का सहारा लेते हैं, तो इसलिए ये मॉरल क्रिटिसिज्म ही बेसिकली बेसलेस है। तो आप इनके मॉरल क्रिटिसिज्म को बिल्कुल सीरियसली ना लें। तो इस प्रकार इन सब बातों का ध्यान रख करके आप इस प्रकार के व्यक्तियों से अपना दूरी बनाएं, और थोड़ा सा जो है भगवान का नाम